आर्यों की जो संस्कृति थी उसमें घोड़ों का बहुत महत्व है, और रोमिला थापर ने लिखा है कि 215 बार अश्व शब्द आया है, गौ शब्द 176 बार और वृषभ 170 बार, और आर्य शब्द 36 बार आया है, 36 बार आया है। ये जो शब्द कहा जाता है कि ये आर्य है, तो ये वेदों में शब्द मिलता है आर्य, इसके पहले आर्य शब्द प्रचलन में नहीं था, इसीलिए उसको आर्य परंपरा कहा गया। भी दो तीन दिन पहले प्रमोद साहब कुछ कहे थे कि भरत इस देश भारत कैसे नाम पड़ा, तो भरत के नाम पर ऐसी कहानी मिलती है। ऋग्वेद में एक युद्ध है, एक युद्ध की चर्चा है, आर्य जातियों में दल हैं, दल उसमें 5 लोगों का एक दल है, उसे पंचजन्य कहा गया है, ये आर्य लोग हैं। भरत नाम का एक वंश चलता है, तो हुआ क्या कि भरत वंशियों में एक राजा है, उसका नाम है दीवोदास। इसके नाम में दास तो लगा है, लेकिन ये दास नहीं है, ये आर्य राजा है, इसका नाम है दीवोदास। कथा आती है ऋग्वेद में, इनका पुरोहित है, इनके पुरोहित का नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र दीवोदास के पुरोहित हैं और वो उनकी मदद करते हैं, युद्धों में भी मदद करते हैं, लड़ाइयों में भी मदद करते हैं। फिर क्या हुआ कि दीवोदास ने अपना पुरोहित बदल दिया, उन्होंने इनके 2 पुरोहित, पहले का नाम विश्वामित्र, इनको इन्होंने बदल दिया, और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा, मैंने क्या नहीं किया इनके लिए और इन्होंने बदल दिया। तो विश्वामित्र ने क्या किया, 10 विरोधी राजाओं को लेकर के एक संघ बनाया और दीवोदास पर हमला कर दिया। तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया, उन्हीं 10 राजाओं को कहा जाता है दासराग। 10 राजा मिल करके दीवोदास पर चढ़ाई कर दिए और दीवोदास विजयी हुए। ये 10 राजाओं का युद्ध, इसका परिणाम यह हुआ कि दीवोदास हारे नहीं, वो जीते। तो दीवोदास ने पहले तो आर्यों में आपस में अपनी विजय पताका फहराई, और फिर दीवोदास ने और क्या किया, अनार्यों को भी हराया, ये 10 राजाओं के ग्रुप को हराया और फिर उन्होंने अनार्यों को भी हराया। और जिस वंश के थे वो भरत वंश, तो भरत वंशियों की ध्वजा दूर तक फहराई, दूर तक मतलब कुल आप वहीं समझिए पाकिस्तान अफगानिस्तान उसी बेल्ट में। इस दासराग युद्ध की चर्चा वेद में, ऋग्वेद में आती है। इस युद्ध की चर्चा, इस युद्ध का परिणाम भी, ये जो राम कथा है, ये राम कथा की चर्चा वैदिक साहित्य में भी है। तो ये जो नाम है विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये नाम राम कथा में भी आते हैं और ये नाम वेद में भी आते हैं।
इसको लिख लें आप, दाशराग युद्ध। ऋग्वेद में भरतवंशी राजा दिवोदास की लड़ाई दाशराग युद्ध में दिखाई गई है। दाशराग युद्ध में दिखाई गई है। दिवोदास के पुरोहित विश्वामित्र हैं, के पुरोहित विश्वामित्र हैं, ये लिखा हुआ है नाम। आगे चलकर दिवोदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। पूर्ण विराम। विश्वामित्र ने अपमानित महसूस किया, उन्होंने पूर्ण विराम के बाद उन्होंने 10 आर्य राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाया। संघ और दिवोदास पर हमला कर दिया, किंतु दिवोदास विजयी होते हैं। एक नदी है पंजाब में, उसे रावी नदी कहते हैं, पुराना नाम उसका परुषणी है। परुषणी नदी, परुषणी रावी के तट पर यह युद्ध हुआ। देखिए परीक्षा होगी तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सप्त सिंधुआ में कितनी नदियां हैं। सप्त सिंधुआ का मतलब होता है 7 सिंधु 7 नदियां। और अब आपको याद होना चाहिए कि 7 नदियां कौन कौन सी हैं। रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, ये 5 नदियां, सिंधु और सरस्वती, कुल मिलाकर के 7 नदियां। इस तरह की एक प्रश्न है कहीं पूछे जाते हैं। दासराग युद्ध किसके बीच हुआ, दासराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, किस बात को लेकर दासराग युद्ध हुआ, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ऋग्वेद का समय लिखे हैं क्या, ऋग्वेद का समय साहब जी 1500 ईस्वी पूर्व 1500 BC। देखें ऋग्वेद 1500, जैन अवस्था 1400। हाँ जैन अवस्था ये ऐसे है, जैन अवस्था 1500 BC, फिर तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। होमर, HOMER, होमर, ये जो वैदिक साहित्य बनता है, अरुण आए हैं क्या, अरुण कहाँ हैं, वो मैप ले आओ, वहीं टंगा हुआ है मैप, नक्शा उसी जगह। ये जो इसको थोड़ा ध्यान दें, जिसे आर्य सभ्यता कहते हैं, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, इसमें सिर्फ भारतीय लोग नहीं शामिल हैं। अगर हम ये सोचते हों कि हम भारतीय लोग आर्य सभ्यता की भूमि हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। ऋग्वेद की जो बातें हैं, ऋग्वेद का जो विषय है, ऋग्वेद में जो वर्णन है, वैसे शब्द, वैसे जानवर,
वैसे देवी देवता, वैसी आग की पूजा, वैसी प्रकृति की उपासना जिंद अवस्था में है। तो जिंद अवस्था क्या है? ये जो ईरान है, भारत, भारत से लगा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बगल से ईरान। तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस हिस्से में ऋग्वेद बने हैं। और वहां से शायद नहीं दिखे, लेकिन आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे या अर्थ लोड कर लेंगे तो आपको पूरा मैप उसमें दिख जाएगा, गोल गोल, ग्लोबल, ग्लोब जैसा। ये भारत के बगल में, उत्तर में और पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और उसके बगल से ईरान है। ईरान का पुराना नाम फारस है। आप लोगों ने सुना कभी गांव में, देहात में, बहुत फारसी ना बोलो। फारसी एक भाषा है, फारसी एक जुबान है, जो कि मुगलों की जुबान थी हमारे देश में, इसी का नाम फारस है। पुराना जो फारस है, उनके यहां एक जरथुस्त्र करके एक महापुरुष हुआ, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र के अनुयायियों में जिंद अवेस्ता ये ग्रंथ है, और यह ग्रंथ ऋग्वेद के साथ साथ ही है। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व माना जाता है और जिंद अवेस्ता 1400 ईसा पूर्व। ये दोनों लगभग उतने ही पुराने हैं। ये फारसियों का है। ये इसमें भी इसकी जो शैली है वह ऋग्वेद जैसी शैली है। यह है होमर। होमर कौन है? होमर सुकरात के पहले, सुकरात को तो 399 में खत्म कर दिया गया। होमर का काल 800 ईसा पूर्व आता है। जैसे हमारे यहां कालिदास हुए हैं, संस्कृत में बहुत बड़ा नाम, कालिदास से बड़ा नाम संस्कृत साहित्य में और दूसरा नहीं है। बहुत से लेखक हैं लेकिन कालिदास की टक्कर का कोई नहीं है। वैसे ही यूनान की संस्कृति में होमर से बढ़कर के कोई लेखक नहीं हुआ। इनके दो ग्रंथ हैं, इलियड और ओडिसी। उसकी जो शैली है, उसमें जो वर्णन है, वो भी कुछ कुछ ऋग्वेद जैसा ही है, यद्यपि है बाद का। ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो है, ये आर्यों के ग्रंथ माने जाते हैं। हम लोग चूंकि इसलिए चर्चा करते हैं ऋग्वेद, क्योंकि हम समझते हैं कि ऋग्वेद हमारा ग्रंथ है, और ऋग्वेद जो बना है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन तीनों का मिला जुला असर है। तो ये चीजें, ऋग्वेद का समय 1500 ईसा पूर्व, जिंदावेस्ता का समय 1400 ईसा पूर्व, होमर 800 ईसा पूर्व। जिंदावेस्ता फारस का है, ईरान का है। होमर ये कहां का है? यूनान का। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ग्रीस का है। इसको लिख लिए हो जो मैंने बताया थोड़ी सी चीजें। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व। स्थान, स्थान लिख दें कहां ये बना। ऋग्वेद किस भूमि पर बना, इसको लिखें। ऋग्वेद किस भूमि पर बना, किस भूमि मतलब किस क्षेत्र में बना, किस भूमि पर बना, तब उसमें लिखेंगे ऋग्वेद में वर्णित, ऋग्वेद में वर्णित नदियों, पहाड़ों,
से यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेद सिंधु नदी के किनारे लगभग 800 वर्षों में बना, लगभग 800 वर्षों में बना। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने लिख दिया मिल गया, वो एक परंपरा है, बनता रहा। जेंदावेस्ता दूसरे नंबर पे, जेंदावेस्ता फारसियों का ग्रंथ है, यह पूर्ण विराम के बाद यह ईरान या फारस में बना है। जरथुस्त्र के अनुयायियों का ग्रंथ है, संसार के महापुरुष में गुरु जी ने जरथुस्त्र पे लिखा है, थोड़ा लिखा है। तीसरा होमर जी, जरथुस्त्र के अनुयायियों का ग्रंथ है। तीसरा नाम होमर, होमर ग्रीक भाषा के सबसे पुराने लेखक हैं, उनके लिखे दो ग्रंथ। हाँ आदमी था साहब, हाँ ये, हाँ ये जो है दोनों ग्रंथ थे, इनके ग्रंथ ही बता रहे हैं। होमर एक आदमी है, जैसे हमारे यहाँ कालिदास हुए वैसे होमर हुए। होमर के लिखित रचित दो ग्रंथ हैं, होमर के लिखित दो ग्रंथ हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे ILLIYAD इलियड और ओडिसी, ओडी ये ओ है, ये ओ, ये डी है ओडिसी। ये इलियड और ओडिसी चूंकि हमारे यहाँ हमारे अपने ग्रंथ इतने हैं, बाकी यूरोप में अभी भी इलियड और ओडिसी जब कोई बहुत बड़ा लेखक हो जाता है तो इन्हीं ग्रंथों से तुलना की जाती है। और ये नाटक हैं इलियड और ओडिसी, और ये सब आर्य संस्कृति के माने जाते हैं। हम सिर्फ ऋग्वेद पे चर्चा करके छोड़ देते हैं बाकी की चीज़ों को, लेकिन जो विचारक हैं वो जरथुस्त्र की पुस्तक जेंदावेस्ता को भी लेते हैं और होमर लेखक की दो पुस्तकों को, इन सब को लेते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा ऋग्वेद पे। ऋग्वेद का अर्थ है ऋग, ऋक, ऋक मतलब छंदोबद्ध, छंद में, ऋचा से। बता दें साहब जी थोड़ा, रचा उनको ऋचाएं कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं साहब ऋचा। ऋचा जो है संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है छंदोबद्ध रचना। तो क्या है, कुछ ऐसे भी वेद हैं जो गद्य में हैं, पद में नहीं है, अथर्व गद्य में है। ये जो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋक, ऋक का अर्थ होता है छंद या श्लोक जैसा। तो वह वेद जो छंदों में लिखा हुआ हो वह ऋग्वेद है। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं तो पाठ लिखा रहता है ना, पाठ चैप्टर, तो ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं और उनको जो है मंडल कहा गया है, चैप्टर को 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल ये पीछे के बने हुए हैं, उनकी भाषा शैली से विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो पहला मंडल है जिसमें शामिल किया गया, जो 10वां मंडल है, ये बाद के हैं। पुराने कौन से हैं, 2 से लेकर के 9 तक। और इन 10 मंडलों में 1029 सूक्त हैं, छोटे चैप्टर, और लगभग कुल कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र ऋग्वेद में। इसको थोड़ा सा लिख लें, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 1029 सूक्त हैं,
और कुल मंत्र 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं, 10,580 मंत्र। इनकी रचना करने वालों में सब तरह के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ऋषि हैं, ऋषिकाएं हैं, सब हैं। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि ऋग्वेद के समय में ये जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था बहुत हल्की थी, नाम भर को उसमें सब लोगों को शामिल कर लिया जाता था। एक ही परिवार है, पिता का धंधा कुछ अलग है, बेटे का धंधा कुछ अलग है, माँ कुछ और काम करती है, मेरा पिता भेषज है, मेरी माँ भड़भूचा काम करती है, मैं कुछ और करता हूँ। गुरुजी कितनी बार इस मंत्रों कहा करते थे। तो इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद का जो प्रारंभिक दौर है उस दौर में वर्ण का मतलब होता था रंग, शरीर का रंग। अगर कोई दूर से दिख जाए आदमी लंबा है, गोरा है, उसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं, तो समझ जाते थे, कहते थे ये ऊंचे वर्ण का है। और अगर कोई एक चीज और थोड़ा सा बताना भूल गया, बहुत सारी चीजें हैं इसको समझें आप, थोड़ा थोड़ा ही है। दास और दस्यु, ये दो शब्दों की चर्चा आती है वेद में। दास और दस्यु, राजा लोग दासों को पराजित करते हैं, दस्युओं का मर्दन करते हैं। तो इतिहासकारों का मत है कि दास और दस्यु उनको कहा गया है जो अनार्य हैं, जो आर्यों की तरह संस्कृत नहीं बोलते हैं, जो आर्यों की तरह देखने में गोरे नहीं हैं। उन लोगों को उन्होंने अपने से अलग किया है। कैसे अलग किया है? इस नाम से उनको दास और दस्यु कहा गया है। आज के समय में तो दस्यु एक बहुत गलत शब्द हो गया है। दस्यु मतलब डकैत, बदमाश, उसके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में दस्यु का अर्थ होता है वह जो कि अनार्य है, संस्कृत नहीं बोलता है, देखने में सुंदर गोरा नहीं है, और उसको समझते थे वो काला होता है, कुरूप होता है, उनके लिए उन्होंने दस्यु कह दिया। ऋग्वेद पे क्या क्या लिखे हैं, मंत्र लिख लिए, कितने मंत्र हैं? एक बार अनुराग साहब कुछ बोल रहे थे, ऋग्वेद में कितने ऋषि लिखे हैं? 294। कुल 294 ऋषियों ने मिलकर के, इतने ऋषियों का नाम आता है ऋग्वेद के रचनाकार, 294 ऋषि। अब मैं 300 तो नहीं किया हूं, हाँ, ये उसमें जो इतिहास के जानकार हैं वेद के, क्या है उसमें जो मंत्र हैं, मंत्रों के ऊपर उनका रचनाकार का नाम दिया हुआ है। वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, तो उनका जो नाम दिया हुआ है, पहले नाम है और फिर उनके मंत्र हैं। इस आधार पर पूरे ऋग्वेद में 294 ऋषि ऋषिकाओं के नाम हैं। ऋग्वेद 294 ऋषि और ऋषिकाओं, ऋषिका मतलब स्त्रियों की रचना है। यजुर्वेद, हाँ बस इतना है, हम लोग फिर से देखेंगे तो फिर से लिख लेंगे कुछ। यजुर्वेद गद्यात्मक है, गद्यात्मक मतलब मंत्र रूप में नहीं है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, इसको लिख लें, बस इतना ही है थोड़ा। हाँ, पूरा ऋग्वेद, पूरा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्यात्मक, गद्य और पद्य में क्या अंतर है जयेंद्र? गद्य और पद्य क्या है? पद्य छंद हो गया। हाँ, पद्य में नहीं।
ठीक है ना दादू, कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हो? गद्य का क्या मतलब होता है? जैसे कोई कहानी है तो कहानी क्या है? गद्य में है। और जो कविता होती है वो क्या है? वो पद में है। बस जो गाया जा सकता है, हाँ, जैसे गाने सकते हो वो गद्य पहले की जो रचनाएं थी वो सब की सब पद्यात्मक होती थी, क्योंकि उस समय लिखने का रिवाज नहीं था। तो गुरु के पास जा करके सुन करके ही उसको याद किया जाता था। अभी भारत में कुछ जगहों पर वेद को याद करने और कराने की परंपरा है। केरल वगैरह में जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को, मतलब जो 4 और 5 साल के बच्चे होते हैं उस उम्र में बच्चे भर्ती किए जाते हैं, और उन बच्चों को लिखाया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है। और जो याद कराने वाला होता है वो हाथों के क्रम से, आरोह और अवरोह से बताता है कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, मंत्र का सही उच्चारण कैसे करना है, ऐसे ऐसे वो करता हुआ जाएगा। उसके हाथ की दिशा से, गति से बच्चे समझते हैं कि हाँ, जहाँ पर धीमा होना है, कहाँ तेज होना है, कहाँ धीरे होना है, कहाँ रुकना है। तो पहले के जो हमारे पास ग्रंथ हैं, पहला पहल जो है ऋग्वेद, वह पूरा का पूरा पद्यात्मक इसलिए है क्योंकि वह एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक जाता था गायन के माध्यम से, बोल बोल करके, इसलिए वो सब के सब पद्यात्मक हैं। लेकिन यजुर्वेद ये कर्मकांड और यज्ञ कर्मकांड वाला है, इसमें यज्ञों से संबंधित कर्मकांड है यजुर्वेद में, और यह गद्यात्मक है। लिख लें, यह नहीं, इसमें मतलब यजुर्वेद में यज्ञ और हवन के नियम हैं। तीसरा है सामवेद। लाइट कहाँ चलती है? चलती है। हाँ, तीसरा है सामवेद। चमकता होगा, कौन सा, ये वाला? आज पीछे वाला। सामवेद में लिख लें, सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं। सामवेद में 1549 कुल मंत्र हैं, 78 इसमें नए हैं और बाकी ऋग्वेद के। जी जी साहब जी, कुल इसमें 1549 मंत्र हैं, बहुत छोटा सा है, इसमें 78 इसके अपने मंत्र हैं। ये इसी में मिला हुआ है। हाँ
हाँ इसी में है। हाँ 78 नए हैं, बाकी ऋग्वेद के हैं। लिखें, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं ये। सामवेद, फिर से लिखें, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का मूल है। ये लोग जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत गाया करते हैं, ये लोग संस्कृत या कन्नड़ वगैरह के ही वो जो गायन है उनका, उसमें वो सामवेद में जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनको वो गाते हैं। और वो कहते हैं कि हम जो सीख रहे हैं, हमारे जो गायन शैली है, हमारे जो गीत हैं, उसका आधार सामवेद है, क्योंकि सामवेद में वही मंत्र हैं जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाते थे। तो जो गायन, गायन की शैली है, वो उसका आधार वो सामवेद को मानते हैं। इसलिए लिखा गया कि भारतीय संगीत शास्त्र का जो मूल शास्त्र है वो है सामवेद। जी साहब, हाँ वही वाला है। दो शैलियां हैं, एक हिंदुस्तानी है, कर्नाटक शैली है। पांच सौ ईसा पूर्व। अब ये धीरे धीरे वैदिक काल का समापन हो रहा है। ईसा पूर्व से पहले ये बन चुका है, इसके बाद में अथर्ववेद बना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद तो पहले बन चुका है इससे। हाँ सामवेद, और अब अथर्व। अथर्व मतलब जो छोटा हो, पीछे, कनिष्ठ जिसे कहते हैं, कनिष्ठ। अथर्ववेद को इतिहासकार वेद मानते ही नहीं हैं। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, ना कोई गरिमा है, ना कोई वैचारिक चिंतन है। जैसे चार भाई हों और छोटा भाई लफंडू निकल जाए, तो बाप अब उस छोटे बच्चे को भी नहीं मानता कि मेरा है। अरे ऐसे ही है, पता नहीं। ये वैसे ही है ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसी परंपरा में है, क्योंकि पुराना है। सिर्फ इसलिए कर्म कांड, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इंद्रजाल, उन सब का घर है ये। अगर ये नहीं होता तो हिंदुस्तानी बहुत फ्री होते। जितने तंत्र मंत्र, टोने टोटका वाले होते हैं, वो कहते हैं तो वेदों में है,
अथर्ववेद का उदाहरण दे देते हैं। अथर्ववेद सबसे पीछे का बना है जी, इसमें वैचारिक चिंतन जैसी कोई बात नहीं है। इसमें वर्णित मतलब वर्णन, इसमें वर्णित विषय हैं, ऐसे लगा देंगे और आगे लिखेंगे तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, इंद्रजाल, इत्यादि। कई इतिहासकार अथर्ववेद को वेद ही नहीं मानते। जी पूछ रहा इंद्रजाल क्या होता है? किनसे पूछ लें? नहीं इंद्रपाल साहब, बस थोड़ा सा पाव जा में अंतर है बस ये हाथ की सफाई जैसे है, जो दिखता है जी। अरे वो सब जानते हैं हाँ, ये पूरा गद्यात्मक है नहीं है, नहीं है, कुछ कुछ प्रश्न हैं हल्दर कॉपी दीजिए। ये अकाल है कॉपी हाँ छोटा है, पीछे है तो उसके बाद ही का है। कुछ प्रश्न लिख लें, कल जो हुआ था दिखाओ जरा कॉपी तो दे सर, कॉपी दो। कल कहाँ पे, कल कहाँ तक बोले थे? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, आर्यों का 6 क्षेत्र कौन सा है? बैठ जाए। आर्यों का 6 क्षेत्र कौन सा है? दूसरा नंबर, सप्त सिंधवा की व्याख्या करें। तीसरा, ऋग्वेद का क्या काल है, ऋग्वेद का रचना काल बताएं।
ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार का नाम बताएं। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार का नाम बताएं। जेंदावेस्ता, ग्रंथ के बारे में लिखें। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित दासराग युद्ध किनके बीच में हुआ? अगला प्रश्न, होमर के ग्रंथों का नाम किस ग्रंथ को अगला प्रश्न किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल शास्त्र माना जाता है? थोड़ा 2 मिनट में और समय लूंगा। बस देखें, ऋग्वेद बहुत पुराना है, उसके कई भाष्यकार हुए हैं, उसमें लिखा प्रमुख भाष्यकार का नाम, मैंने एक नाम सायणाचार्य का लिख दिया है। सायणाचार्य का समय 14वीं शताब्दी है, वो साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत के, एक राजा के मंत्री थे। ये दो भाई थे और दोनों बड़े बड़े योग्य थे, वो अलग बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के व्याकरण के बड़े ज्ञाता थे, साधु से बेमानी की आशा नहीं की जाती है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक गलती की, उन्होंने कहा वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब पुरुष माने ईश्वर, अपौरुषेय मतलब ईश्वर से भी पहले के ये ग्रंथ हैं। सृष्टि जब नहीं थी तब भी वेद थे, सृष्टि बाद में बनी, वेद पहले बन गए थे। वेदों के अलावा अब किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। जिद्द है, सनक है और कुछ नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज जो पाकिस्तान का पंजाब है
वहां एक संस्था बनाई थी आर्य समाज, इसका काम था समाज सुधार का काम करना। इसने बहुत बड़ा काम किया है, देश की आजादी में इसने एक से एक लोगों को दिया है। इनके मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अनाथालय हैं, बहुत काम है आर्य समाज का राजनीति में भी। लेकिन इस आदमी ने एक गलती की, इन्होंने, ये इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत के आचार्य, गुरुजी कहा करते थे संस्कृत का व्याकरण का आचार्य नहीं मिलता है, साहित्य पढ़ लेते हैं व्याकरण का आचार्य, ये व्याकरण के आचार्य थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका फोटो वो लगा है, गुजराती थे वो, गुजराती ब्राह्मण। इन्होंने संस्कृत व्याकरण में क्या होता है, संस्कृत का वाक्य यहां से यहां तक पूरा लिखा जाता है, बीच में तोड़ा नहीं जाता है, बस लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। अब कौन सा शब्द कहां से तोड़ना है ये व्याकरण वालों को पता होता है। ये पूरे शब्द यहां से यहां तक लिखे हुए हैं, वो जानता है कि अगर कोई शब्द मेरे पसंद का नहीं है तो उसको वो गलत ढंग से तोड़ देगा, अगर वो व्याकरण का गुरु है तो। उन्होंने ऐसे ही किया, जैसे सप्त सिंधुआ नाम आया, हिमालय नाम आया, गंगा नाम आया, ये सब नाम ऋग्वेद में है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नदियों के नाम नहीं है, और व्याकरण के मास्टर थे वो, उन्होंने सारे अर्थ को अनर्थ कर दिया, तोड़ दिया। हिमालय कौन सा हिमालय, पहाड़ की बात, ऋग्वेद तो तब का है जब हिमालय नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तो इसमें हिमालय नाम कैसे आ जाएगा। सिंधु नदी तो बाद की है, ऋग्वेद तो बहुत पहले का है, उसमें सिंधु नदी नाम कैसे आ जाएगी। उन्होंने उस अर्थ को तोड़ दिया, दूसरा अर्थ कर दिया, क्योंकि विद्वान थे। उन्होंने ऋग्वेद का अर्थ किया है, वो अर्थ किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। उनकी सेवा एक तरफ, उन्होंने जो काम किया आर्य समाज की स्थापना की, वो सब काम एक तरफ, लेकिन उनका किया हुआ ऋग्वेद का अर्थ किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं मानते। वो अकेला आदमी है, वही भर मानता था अपना अर्थ, उसका अर्थ और किसी ने नहीं माना। जी महीधर का भास है, पुराने होंगे। तो ये चर्चा बस ऐसे ही अकस्मात प्रसंगवशात कर दिया, बाकी जो लिखा है ऋग्वेद के भाष्यकार, अगर आप गूगल पे कभी सर्च करें शायद हो सकता है दिया हो, बिल्कुल देना चाहिए। और ये है जो सायणाचार्य का है, यह है 16वीं शताब्दी का है, 1600 इतने बाद के हैं वो, सब 14वीं या 16वीं के बीच के ही हैं, बहुत पहले के नहीं हैं। हाँ ये तो बहुत बाद के, 1875 में तो इन्होंने काम किया है, लेकिन ये आदमी 2000 साल पुराने थे दिमाग से। मतलब मैंने कहा ना, साधु से बेमानी की आशा नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने लिख करके बेमानी सिद्ध कर दी, इसीलिए उनका लिखा हुआ शास्त्र कहीं माने नहीं है। साहब जी कहते हैं संस्कृत के विद्वान ही नहीं मानते हैं।